हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 200 वाट सोलर पैनल का फुल सेटअप खरीदने में हमें कितना खर्च आएगा। यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें तो हमें सोलर पैनल भी खरीदना होगा, कंट्रोलर भी खरीदना होगा और एक बैटरी भी खरीदना होगा। बैटरी के अलावा अगर हम कोई यूपीएस देखते हैं तो उसको भी खरीदना होगा। तो दोस्तों, 200 वाट सोलर पैनल के साथ हमें कौन कौन से डिवाइस खरीदने होते हैं ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। साथ में इन सभी का हम प्राइस भी आपको बताएंगे कि कितना कॉस्ट लग जाएगा इन सब को परचेस करने में। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। बहुत सारे लोग जो है 200 वाट सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं और अपने घर का बिजली बिल जो है आराम से बचा भी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सोलर पैनल को लेकर के। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई 200 वाट का कोई सोलर पैनल परचेस करते हो तो मैं आपको कई वीडियो में बता भी चुका हूँ कि आपको कभी भी ऑनलाइन सोलर पैनल जो है नहीं खरीदना है, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन सोलर पैनल जो आती है वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो अगर आप ऑफलाइन स्टोर पे जाके कहीं परचेस करते हो तो आपको पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल जो है मिलेगा। तो पर वाट यहाँ पर आपको 30 रुपए से लेकर के 32 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको लुमिनस सोलर पैनल मिल जाएगा, जो की पॉलीक्रिस्टलाइन लाइन में होगी। और अगर आप मोनो पैनल को ही परचेस करना चाहते हो, चाहे जन सोलर हो लूम सोलर हो, तो आपको 35 से 37 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान के चलते हैं 32 रुपए पर वाट के हिसाब से अगर मिलता है तो 200 वाट का हो गया 6400 रुपए। तो यहाँ पर सोलर की जो कॉस्ट हो जाती है वो 6400 रुपए हो जाती है अगर हम लुमिनस का पॉलीक्रिस्टलाइन में परचेस करते हैं। तो अगर हम 37 रुपए पर वाट जोड़ते हैं अपने मोनो पर के लिए तो यहाँ पर हमारा 7400 रुपए हो जाता है 200 वाट सोलर पैनल, जो की मोनो पर में आती है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि आपको कौन सा सोलर पैनल की नीड है और कौन सा सोलर पैनल आपको ज्यादा बेटर लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा हमें कंट्रोलर भी चाहिए होता है ताकि हमारी बैटरी जो है वो सेफली चार्ज हो। तो कंट्रोलर का अगर हम परचेस करने जाएंगे तो यहाँ पर 700 से 800 रुपए में हमारा कंट्रोलर जो है 10 एम्पियर का मिल जाता है मार्केट में इजिली। या फिर दोस्तों इसको आप चाहे तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, या फिर दोस्तों जहां से आप सोलर खरीदोगे वहीं पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो 800 रुपए इसका भी हम मान के चलते हैं और 7400 रुपए हमारा सोलर पैनल का निकल के आया था। इसके अलावा दोस्तों अगर हमें कुछ और चाहिए तो हमें एक डीसी वायर चाहिए जो कि दोस्तों 2.5 स्क्वायर एमएम की होनी चाहिए। इसको अगर आप परचेस करते हो, चाहे तो आप ऑफलाइन खरीदो या फिर ऑनलाइन खरीदो, तो आपको 1500 रुपए के आसपास में ये आपको मिलेगा जी। ये वायर जो होती है दोस्तों डीसी वायर ही आपको परचेस करना होता है। ये एल्यूमिनियम में होता है, डबल लेयर से बना हुआ होता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा या फिर प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप वीडियो को भी देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको MC4 कनेक्टर की नीड होगी जो कि आपके सोलर पैनल का जो वायर है उसको कनेक्ट करेगा आपके डीसी वायर से। तो इसमें दोस्तों आपको 200 रुपए का आपको MC4 कनेक्टर लेना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आपको बैटरी परचेस करने की, तो बैटरी आप यहां पर मिनिमम 100 एम्पियर का सोलर बैटरी आपको परचेस करना पड़ेगा। 100 एम्पियर अगर आप बैटरी परचेस करते हो तो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो 10 एम्पियर से चार्ज हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको लोड के हिसाब से आपको बैटरी परचेस करना है। अगर आपका 100 एम्पियर में काम चल जाता है तो 100 एम्पियर का खरीदिए, और या फिर दोस्तों अगर आपका 150 एम्पियर से खरीदना चाहते हो तो 150 एम्पियर के भी खरीद सकते हो। 100 एम्पियर का आपको 10 से 11 हजार रुपए मिलेगा और 150 एम्पियर की बैटरी जो है वो आपको मिलेगी 15 से 16 हजार रुपए में। तो यहाँ पर दोस्तों हम 150 एम्पियर की बैटरी को हम लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर 15 हजार रुपए हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 15 हजार रुपए इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर एक बात जाती है यूपीएस की, तो अगर आप इस यूपीएस परचेस करते हो तो आपको कोई 715 मॉडल या फिर 750 मॉडल का कोई यूपीएस परचेस करते हो, तब दोस्तों सोलर यूपीएस परचेस करते हो तो आपको 4500 के आसपास में ये आपको मिल जाएगा। तो अगर एक बेनिफिट होता है, अगर आप सोलर यूपीएस कोई परचेस करते हो तो आपको कंट्रोलर परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन सभी डिवाइस को अगर हम कोई परचेस करते हैं तो लगभग 30 हजार रुपए हमें कॉस्ट पड़ जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमें एक GI का स्ट्रक्चर चाहिए ताकि हमारा सोलर पैनल जो है वो स्टैंड पे खड़ा रहे। या फिर दोस्तों आप चाहें तो अपने घर के कोई छत का रेलिंग है वहां पर भी दोस्तों आप अपने सोलर पैनल को खड़ा कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज अगर आप GI का कोई स्ट्रक्चर खरीदते हो तो आपको 2000 से 3000 रुपए उसमें भी खर्च करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम उसकी भी प्राइस को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर 32 हजार के आसपास में ये क्रॉस कर जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोलर यूपीएस कोई परचेस करते हो तो आपको कंट्रोलर परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका हम
माइनस कर देते हैं 800, तो यहाँ पर 31,000 रुपए समथिंग 31,000 रुपए के आसपास में आपको खर्च करने पड़ जाते हैं अगर आप दोस्तों 200 वाट का कोई सोलर सिस्टम का यूनिट परचेस करना चाहते हो तो। ठीक है गाइस, तो 200 वाट का सोलर सिस्टम अगर आप यूनिट परचेस करोगे 150 एम्पीयर बैटरी के साथ, 750 वाट का अगर आप कोई सोलर यूपीएस परचेस करते हो तो 31 से 32,000 रुपए में आपका सारा चीज जो है वो मिल जाएगा। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो था, आई होप कि दोस्तों आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।